नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 है, उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों इस तरह का प्रश्न जो है आपसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आज पूरा वीडियो वॉच कीजिए, आज के बाद कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों कैसे बनेगा सो। तो दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया हुआ है, योगफल 25 है और अंतर 3 है। तो योगफल तो a प्लस b मान लेते हैं, दो संख्या a और b, यानी का योगफल जो है सो 25 है, और अंतर तो a माइनस b, अंतर कितना है दोस्तों तो 3 है। एक फार्मूला है दोस्तों, अब पूछ रहा है उनके वर्गों का अंतर, मतलब ए और बी के वर्गों का अंतर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गों का अंतर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है दोस्तों, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बस इस फार्मूले को आपको जानकारी होनी चाहिए तभी बनेगा दोस्तों। तो देखिए ए प्लस बी क्या है, तो ये 25 है दोस्तों, और ये हमारा a माइनस बी क्या है तो 3 है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होगा जाएगा, अब इसको 25 को 3 से गुना कर दीजिए, तो गुना करने पर कितना आता है दोस्तों तो 75। तो यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो a नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए ना दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है एक से नौ तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए, एक से नौ तक की दोस्तों। अब इसमें कुछ करना नहीं है, एक फार्मूला है इसमें, मैं पहले भी पढ़ाया था, अगर मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो जरूर जानते होंगे। फार्मूला है दोस्तों एन एन प्लस वन, फिर है 2n+1 बटा 6, ये है फॉर्मूला दोस्तों वर्गों के योगफल बराबर। अब क्या करेंगे, n n जहां पर है n बराबर अंतिम संख्या, अंतिम संख्या तो अंतिम संख्या क्या है दोस्तों तो 9। अब क्या कीजिए, यहां 9 लिखिए, फिर 9+1, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, 2×9+1 और बटा में 6 लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों ये हमारा 9 है, तो 9 और 9×10 कर दीजिए, फिर गुना का चिन्ह दीजिए, 9×2 18, 1×19 बटा में 6 लिख दीजिए दोस्तों। अब काट दीजिए इसको, 3×6 और 3×3 9, उसके बाद काटिए दोस्तों 2 से 5 बार में, तो 5×3 ये कट गया, 2×5 10 दोस्तों। अब 15 को 19 से गुना कर दीजिए, और 15 को 19 से जब गुना करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 285, कितना आ जाएगा दोस्तों 285, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों, बस इस फॉर्मूले को आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए वर्गों का योगफल जब भी पूछे तो इस फॉर्मूले का यूज कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका तो दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है आपका, √30+√30+√30+√30+। अब इस तरह जब हम वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो समझ जाइए हम बूढ़े हो जाएंगे और निकलेगा नहीं दोस्तों। तो इस तरह का प्रश्न में ट्रिक यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब ट्रिक क्या है तो देखिए, ये प्लस में है दोस्तों √30, अब इसका ऐसा दो भाग कीजिए कि गुना करने पर 30 आए और अंतर 1 आ जाए। ठीक है, तो वैसा कौन सा संख्या है, तो 6×5 30, यहाँ 6 और ये 5, 6×5 30 गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, और अंतर देखिए हमारा 1 आया दोस्तों, अंतर 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो अंतर भी 1 है, अगर 6 में हम 5 घटाएंगे तो 1 आएगा। जब प्लस में रहे और रूट में रहे ये अनंत तक रहे। ठीक है, तो
प्लस में रहेगा तो बड़ी संख्या इसका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो 6 हुआ। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, तो बी नंबर है दोस्तों। लेकिन अगर यही माइनस में रहता तो आपका छोटा अंक आंसर हो जाता, यानी 5 होता दोस्तों। लेकिन आपका ये जो है सो प्लस में है, 30 प्लस है, अंडर रूट 30 प्लस। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो बड़ा अंक होगा और ये 6 हो गया। बस इतना ध्यान रखिएगा कि तोड़ने के बाद अंतर 1 होनी चाहिए दोस्तों, बस इस चीज का आप गौर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों, देखिए क्वेश्चन बड़ा देख करके एग्जाम में कभी भी नहीं भागिएगा दोस्तों। ठीक है, उस क्वेश्चन को पढ़िए आप। देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका, एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष रह जाता है, इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना होगा। ठीक है, अब 627 से विभाजित किया जाता है 43 शेष बच जाता है, इसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना रह जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिए दोस्तों क्या करना है, बस इस 43 में ये जो शेष बच रहा है उसको इससे डिवाइड कर दीजिए, भागा दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ 43 जो है इसको हम डिवाइड करते हैं, भागा देते हैं 19 से, तो 19 दूनी 42, सॉरी सॉरी एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहे, 19 दूनी 42 नहीं होता है, 19 दूनी 38 होता है। क्या होता है, 19 दूनी 38 होता है दोस्तों, ये 38। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, 13 बांट गया तो 5 और ये खत्म। ठीक है, तो शेष कितना बचा दोस्तों, तो शेष हमारा 5 बच गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि शेष पूछ रहा है कि कितना शेष बचेगा। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो ए नंबर हुआ। लेकिन अगर आप इसको जांचना चाहते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं है, तो देखिए मैं इसका जांच के दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष बचता है, जब 43 शेष बचता है तो उसमें तो हम 627 और ये 43 जोड़ दीजिए, यानी टोटल अंक कितना है, तो 7 3 10, 4 2 6 1 7, यानी 670 है, और उसको 19 से विभाजित करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो 19 से विभाजित करते हैं। ठीक है, तो 19 दिया 57, अब घटा दीजिए तो ये 0 आया, 6 में 5 गया तो 1 आया, और ये 0 को उतार दीजिए यहाँ पे, अब 19 5 95, ये 95 आया दोस्तों। अब देखिए 100 में 95 घटाएंगे तो 5 शेष आता है, देखिए यहाँ भी शेष 5 आ गया दोस्तों। ठीक है, और यहाँ भी 5 शेष आ गया, लेकिन आपको इस तरीके को यूज नहीं करना है दोस्तों, इतना लंबा मैंने ये इस तरीके को जो बताया है, ये ट्रिक बताया, इसका यूज कीजिए आप। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो 5 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि कमजोर से कमजोर छात्र को भी जानकारी हो जाए दोस्तों। चलिए अब देखते हैं पांचवा नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए पांचवा नंबर प्रश्न है 52 घटाओ, ये मोड बोला जाता है दोस्तों, मोड मोड 8 - 20, मोड बराबर का मान ज्ञात करें। अब मोड का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछता है दोस्तों, एक प्रश्न रहता है। ठीक है, लेकिन आज आप जान लीजिए, आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अब क्या कीजिए, ये 52 लिखिए। ठीक है, 52, चलिए हम पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ये 8 - 20 ये मोड का चिन्ह है। अब यह आपका आएगा दोस्तों, ये 52 ये माइनस, ये मोड के बाहर है। ठीक है, मोड के बाहर माइनस, अब देखिए 20 में 8, 8 में 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा मोड, ये -12, ये 12 आ जाएगा। लेकिन मोड के अंदर माइनस नहीं होता है, वो प्लस लिया जाता है दोस्तों, इस चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये माइनस का आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो 52 माइनस, ये बाहर में माइनस है, घटाओ का चिन्ह है, ये 12 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, 52 में 12 गया तो 40 बचा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो बी नंबर हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठे नंबर प्रश्न दोस्तों। अब छठा नंबर प्रश्न आप एक बार सॉल्व कीजिए दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है नहीं बनता और कितना समय लगता है दोस्तों।
और कमेंट कीजिए। तो देखिए छठा प्रश्न, अधि संख्या ये x है ना, ये 4461 को 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। अब इस तरह से प्रश्न में आपको 11 से विभाज्यता का नियम जानना होगा, अगर आप नहीं जानेंगे तो बहुत समय लग जाएगा दोस्तों। तो देखिए क्या करना है, ये x है, 4 है, फिर 4 है, 6 है, 1 है। अब 11 से विभाज्यता का नियम होता है दोस्तों कि सम संख्या और विषम संख्या को घटाने पर 0 आनी चाहिए, अगर वो 0 आता है तो वो 11 से विभाज्य होगा। अब हमको 11 से तो इसको काटना है, ये सम संख्या है, फिर ये सम संख्या है, फिर ये सम संख्या है, ठीक है। पहला सम लिए हैं, पहला सम लिए, ये सम लिए, फिर ये सम लिए, ये सम लिए, ये सम, फिर एक अंक छोड़ के, ठीक है, फिर ये सम, फिर ये सम, ठीक है। नतीज को आप ले सकते हैं, ये सम और ये सम, ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम उसी तरह से लेते हैं दोस्तों, एक ही मिनट। देखिए दोस्तों x 4461, अब सम है, ये सम हो गया और ये सम हो गया दोस्तों, तो 4 प्लस 6, फिर माइनस करेंगे, ये x, फिर है ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। अब इसको जोड़ने पर आता है दोस्तों 10 आता है, ठीक है, और इसको जोड़ने पर 4 एक 5 प्लस 1 आ रहा है। तो हम ऐसा कौन सा अंक लिखे यहाँ कि घटाने पर हमारा ये जो है सो जोड़ने पर 10 आ जाए और घटाने पर 0 आ जाए। तो हम 10 के, ये 10 है, 5 और x के जगह अगर हम 5 मान ले, 5 प्लस 5, ठीक है, तो 10 हो जाएगा। तो 10 में 10 घटाएंगे तो हमारा आंसर ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस x के जगह क्या माने दोस्तों, तो 5 माने हम, तो ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो 5 हो गया। बस 11 के विभाज्यता का नियम में ही कहता है दोस्तों कि सम संख्या और विषम संख्या का अंतर 0 आनी चाहिए। चलिए तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो 5 हुआ। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए कल मिलते हैं 11 बजे रीजनिंग क्लास के साथ, धन्यवाद।